मोटे हो गए आज मेरे मोटे को बहुत ज्यादा। दरबार की हम पहुंच चुके हैं सर्वे चौक। मैंने जो नाश्ता किया था वो अभी निकाल दिया, अब मुझे भूख लग गई। तो दोस्तों आधे रास्ते में चलते चलते लाइट चली गई। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरे आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मसूरी से आगे धनोल उत्तराखंड देहरादून, मसूरी से आगे धनोल्टी, धनोल्टी से थोड़ा आगे सुरकंडा माता मंदिर है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ आ रखे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मैं, स्वामी जी, सासुमा और पवन, और शायद आपको आवाज़ आए नहीं आए क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये दोनों आगे चले गए, हमने प्रसाद ले लिया है और आज ना मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई, उल्टी की दवाई नहीं खाई और आज बहुत उल्टी हुई मेरे को। तो चलो चलते हैं दरबार के लिए, आइए दोनों। तो दोस्तों फाइनली हम मसूरी पहुंचने ही वाले हैं, आप देख सकते हैं ये है मसूरी का किनारा जो हमारे सामने से बहुत ही नजदीक, बहुत ही नजदीक। और हमारे पवन ड्राइवर PSO, इन्होंने आज तक 512 गाड़ियां चला चुके हैं। इसका एक्सपीरियंस आपको वही बता सकते हैं, 5-6 दिन तक हुई है स्कूटी में। ये खाली BMW और मर्सिडीज नहीं हो गए, सूरत नजारा। ये जा रहे सासुमा और वो आगे से स्वामी जी और पवन। हमारे पुत्र हनुमान की जय। ये गेट माँ सुरकंडा देवी, ये दरबार के लिए चलो चलते हैं। श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। आगे तक दिखाई नहीं दे रही, मतलब पूरा टैक्सी टैक्सी कार कार भरी हुई है पूरी, बहुत भीड़ है। देखो दोस्तों ये देखो, इतने दूर जाना है। तो दोस्तों सासू माँ के भी पैर बहुत थक रहे हैं और अपन के भी। तो देखते हैं यहाँ से हम जाएंगे उड़न खटोले में पहली बार। मैं और बैठ चुके हैं और ये लोग जा रहे टिकट लेने, अभी आएंगे टिकट लेके सीने। तो दोस्तों यहाँ तो लाइन काफी लंबी है, क्या करें हम लोग। उड़न खटोले दोस्तों टिकट टुकट दिखा के हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा वेटिंग में रहेंगे, उसके बाद हमारा होगा जी। तो सासू माँ चले गए हैं बैठने और हम भी पीछे। फर्स्ट टाइम हम लोग बैठ गए उड़न खटोले में, तो हम उड़ गए इन दोनों को डर लग रही है। तो दोस्तों आधे रास्ते में चलते चलते लाइट चली गई और हम लोग फंस गए, अब क्या हो। उतर चुके हैं उड़न खटोले से, अब जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये रहा माता दरबार जो कि बहुत ही खूबसूरत है ना। तो हम लोगों ने धूप वगैरह भी कर दिया है, मंदिर में माता के दर्शन करके आ गए हम लोग। पवन नीचे पता नहीं क्या कर रहा, स्वामी जी जा रहे गए इधर साइड धूप जला। देखो मंगल के सामने यहाँ से
चलो तो साचे दरबार की जय। दोस्तों मैं यहां से आपको बैक का व्यू दिखा रही हूं। बैक के व्यू में आप देख सकते हो हिमालय साफ दिख रहा है, बर्फ गिरी हुई है, कितना सुंदर नजारा आ रहा है। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूं। हिमालय पर्वत की चोटी के नीचे ये पवन और स्वामी जी ने इतनी फोटो खींच रहे, मेरे तो दिमाग खराब हो गया इन्हें देख देख के। मैं सुरकंडा माता जो इतिहास है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, आप लोग जरूर पढ़िए और देखिए। ठीक है, कितने सेकंड का? शुरू करूं? तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं घर के लिए, और घर के लिए भी बहुत अभी खुल जाएगा, खुल जाएगा, बहुत ज्यादा लंबे है। इन दोनों की फोटो में पूरी नहीं हो रही। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर से डाउन हो चुके हैं, लास्ट सीढ़ियां रह चुकी है हमारे लिए मंदिर के लिए, और सासू माँ पहले ही उतर चुके हैं, थोड़ा सा और है फिर रोड में। और इन दोनों की ना फोटो शूट ही पूरी नहीं हो रही हो, देखना मंदिर के ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, पता नहीं क्या ही कर रहा। हमने सुबह से खाना भी नहीं खाया, मतलब सुबह नाश्ता करके आए थे घर से, और तब से हमने भात दाल ही खाई। मैंने जो नाश्ता किया था वो अभी निकाल दिया, अब मुझे भूख लग गई। तो दोस्तों अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए, आप देख सकते हो काफी अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो हो गए आज मेरे बोटे को बहुत ज्यादा। तो दोस्तों रात को काफी लेट पहुंचे हम लोग घर, मतलब 9:30 हो गया था, तो फिर आधे रास्ते पे वो सूप रोल वगैरह लाए थे वही खाया था हमने, और उसके बाद फिर खाना क्या ही बनाना था, खाना खाने का मन नहीं हुआ, फिर थके हुए थे सो गए। फिर अभी मैं सुबह उठ के अपना व्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगा हमें सुरकंडा जाके। आप लोग भी एक बार जरूर माँ के दर्शन के लिए जाइए, वहाँ आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर पक्का करना है ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़े। मैं मिलूंगी आपको कल नए व्लॉग के साथ, मस्त व्लॉग के साथ, तब तक ले टाटा।